गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये जो पेंटिंग आपको नज़र आ रही है मेरे सर के पीछे, इसका नाम मैंने रखा है युगलबंदी। वैसे ही बता दिया, ख्याल आया तो। जो अब मैं अशहार पढ़ने लगा हूँ वो है, एक तो वैसे ही ज़बानी याद आ रहा है कि वो पहलू से उठे हम बैठे रहे, दिल को जिगर को सीने को थाम के। ये लिखा नहीं हुआ, वैसे ही याद आ रहा था तो मैंने कहा चलिए बोल देते हैं। और जो और शेर चुने थे वो ऐ गमे ज़िंदगी न हो नाराज़, हमें आदत है मुस्कुराने की। दूसरा शेर यह, शिकवा है बिजलियों का ना सयाद का गिरा, अपनी बहार ही ने नशे मन जला दिया। और अब दो कोटेशंस, पहली क्या है, There are no perfect relationships. It's how you accept the imperfections that make it perfect. तर्जुमा, बेऐब नहीं होता कोई रिश्ता, ऐब तस्लीम कर लेने पे ही पुख्ता हो जाता है रिश्ता। अब दूसरा शेर है, दूसरी कोटेशन है, पोइट्री इन्वॉल्व्स द मिस्ट्रीज ऑफ द इरेशनल परसीव्ड थ्रू रैशनल वर्ड्स। गहरा शेर है ये, गहरी कोटेशन है, शायरी गैर मंतकी मज़ाहिर को करती है आशिकारा, जरिया बनाती है मगर इदराक की जबान का। लीजिए ये भी हुआ। अब बारी है कहानी की, और वो कहानी है छोटी सी है, मंटो से आइडिया लिया, नहीं बपासा से आइडिया लिया हुआ है। वैसे तो एक और किताब में भी इसका जिक्र है, लेकिन मैंने मंटो का ही ख्याल आता है, वहाँ से ये आइडिया लिया हुआ है उससे। और उसका नाम की है जी, पंजाबी च बोलो ना जी, पंजाबी च बोलनी है ते इंज भी हो जांदा है कदी। बलवंत सिंह आंसू, बारिश तो बचन लई एक दहली च वड़िया एक नौजवान, खुला सी मकान दा उही भाग, बंद सी बाकी मकान, खड़ी सी पहला तो एक औरत इसी मंतव लई शायद, मूसलाधार सी बारिश, इन्नी सोहनी के वेंदियां अखां रजदियां, स्पष्ट सन उस दियां उभरियां गोल छातियां, अंग संतुलित नैन नक्श तिखे, पर वेख के वासना दे भावना जागे, एक मुरझायापन एक उदासी सी लगत, सजदी नहीं सी जड़ी उस दे मुख ते, जद वेख्या वधेरे ध्यान दे के दिसिया झलकता एक गम उस दियां सोहणियां अखां विच, अचानक उस खोल दिते ब्लाउज दे बटन, गर्मी नहीं सी फिजा विच पर निर्लजता नहीं सी उस दे नैणा विच, बल्कि एक शर्म सी एक झिझक, ओ पहचानदा सी खूब ऐश दा निमंत्रण, उस दियां अखां च सी ममता भरी शफकत, परेशान सी
ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਰਹੱਸ ਕਿਉਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਗਨ ਵਿਚਿੱਤਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਸੀ ਇਹ ਸੰਯੋਜਨ ਸ਼ਰਮੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵਾਂ ਕਰੋ ਦੂਰ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਉਲਝਣ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਖੋਲ ਛੱਡੇ ਕਿਉਂ ਬਲੋਜ਼ ਦੇ ਬਟਨ ਆ ਪਰਦਿਆਂ ਉਸ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਮਲ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਣਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝਿਜਕ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜੇ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਦਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕਿਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਗੋਡਿਆਂ ਪਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਕਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤਣਾਓ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟ ਗਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜੋ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਭੁੱਖਾ ਸੀ